उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पर बने प्रभावी नियंत्रण के बीच जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। देश के अन्य राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत बेहतर है। अब प्रदेश के 33 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। कोविड टेस्टिंग में 67 जिलों में कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं मिला। पिछले 24 घंटे में 2,30,740 सैंपल टेस्टिंग में 10 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। मात्र 8 जिलों में ही नए मरीज मिले हैं। इसी अवधि में 16 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। ये सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। थोड़ी सी लापरवाही संक्रमण को बढ़ाने का कारण बन सकती है। इस समय राज्य में 191 संक्रमितों का उपचार हो रहा है। औसतन हर दिन 2.25 लाख से 2.5 लाख तक टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.1 से भी कम हो गई है और रिकवरी दर 98.7% है। उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। इन जिलों में अलीगढ़, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बस्ती, बहराइच, भदोही, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, कासगंज, ललितपुर, महोबा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल है। राज्य में अब तक 7,44,95,406 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 16,86,457 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।